हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। समय है दोपहर के 2:54 और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऑफिस। सुबह उठ गया था, हालांकि मैं 9:30 और उसके बाद देखो कैसे गर्व से बता रहा हूँ कि 9:30 उठा था। वो भी काफ़ी देर होती है, सो मुझे 8 बजे से पहले उठ जाना चाहिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस और वहाँ पर एक स्टूडेंट आने वाले हैं इंक्वायरी के लिए। वो एडमिशन लेना चाहते हैं अकेडमी ऑफ वॉइस एंड मीडिया में। तो उसके बाद देखते हैं आज क्या कुछ एक्टिविटीज़ है। एक फ्रेंड की सिस्टर को लेना है कुछ ज्वेलरी, तो वो उनके साथ जाना था मुझे DP ज्वेलर्स। एंड जो भी जहाँ भी जाऊँगा आपको बताता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बादलपुर का आशीष। हाय एवरीवन, सो मैं अभी MP नगर से यानी अपने ऑफिस से निकल चुका हूँ DP ज्वेलर्स की तरफ, जो है न्यू मार्केट वल्लभ भवन के पास। वल्लभ भवन नहीं, राजभवन। और बड़ा ही मज़ा आ रहा है इस तरह से साइकिलिंग करते हुए। और क्योंकि केसेस काफ़ी कम हो गए, इसलिए मैंने आज मास्क नहीं लगाया। बिना मास्क के बहुत मज़ा आता है यार साइकिलिंग करने में, अच्छा लग रहा है। मैं अपनी साइकिल से हूँ। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। ओ हुस्न वालों न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। देखिए तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है। पन, आगे से मुझे लेना है वाइट, लेकिन मुझे जाना है न्यू मार्केट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, किसी से पूछते भाई न्यू मार्केट के लिए कहाँ जाना है? न्यू मार्केट भाई, न्यू मार्केट के लिए इधर इस साइड ना, इधर। सो मुझे आगे निकलना है सीधा। मुझे जिंदा रहने दो, ओ हुस्न वालों न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। कभी कभी यदि तीव्र बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होके। देख कितना प्यारा लगा तिरंगा। और कैसे कोई सोच थिंग्स गोना बी ओके। देखती हंसते हंसते नहीं तो फिर थोड़ा 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 मुस्कुरा। देश की शान तिरंगा हमारा, जब ये लहराता है तो दिलों की धड़कनें थम सी जाती हैं, क्योंकि ये है तिरंगा देश की शान। सो आगे से मुझे न्यू मार्केट के लिए लेना है लेफ्ट या राइट? चलिए आगे चल के पूछते हैं किसी से। वैसे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काफी सारी भीड़ है, काफी सारे लोग खड़े हैं। अंकल जी न्यू मार्केट के लिए इधर या इधर? सीधे ना? बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे ना के सीधे जाना है यहाँ से, तब मुझे मिलेगा न्यू मार्केट। चलिए मेरा ना किस तरफ है, इस तरफ चलते हैं। मुझे जिंदा रहने दो, आई एम सॉरी, आई मीन ओ हुस्न वालों ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ये है क्या है? वल्लभ भवन है ये, वल्लभ भवन। और वल्लभ भवन का ये मुख्य द्वार है, मेन गेट है, 4 नंबर गेट। काफ़ी बड़ा है ये वल्लभ भवन। इस तरफ भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं, पता नहीं है किस चीज़ की बिल्डिंग है, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग ही लग रही है। देखिए मौसम बहुत सही है, टेम्परेचर बहुत मेंटेन्ड है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत मज़ा आ रहा है बस। तो ये है विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है।
आगे है न्यू मार्केट, रोशनपुरा, सब आगे ही। चलते हैं आगे दोस्तों। ये है बिरला मंदिर। एक समय में बिरला मंदिर अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन सही मेंटेनेंस ना होने की वजह से उतना विशेष तो नहीं रहा, लेकिन अभी बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं। और मंदिर तो मंदिर होता है यार, तो आप भी यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए भगवान श्री कृष्ण के। सो गाइस, मैं बस डीपी ज्वेलर्स से निकल चुका हूँ अब, और अब जा रहा हूँ मैं वापस अपने घर, अपने ऑफिस, क्योंकि दोनों आसपास में ही है, कुछ भी कहो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ओ हुस्न वालो। दोस्तों मैं हूं अभी वल्लभ भवन के सामने, और आप देख सकते हैं कि देश की शान तिरंगा हमारा किस तरह से लहरा रहा है। यह हमारा तिरंगा। ये वल्लभ भवन के सामने का रास्ता है, मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से। सी यू। हे गाइस, समय है रात के, कितना बज रहा है, 12:31। आज अमन वापस आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तबीयत खराब हो गई थी इनकी, लेकिन अब वापस आ गए हैं बिल्कुल स्वस्थ होकर, हेल्दी होकर। तो कैसा अनुभव हो रहा है आपका? काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है, काफ़ी दिनों से मिस कर रहा था मैं माई एडवर्टेंसी को, जोन वन को, और अब काफ़ी दिनों बाद जब यहाँ पर आया हूँ तो मैंने सोचा आज रात को भी मैं यहीं रुकता हूँ। अब मैं बेटा बिल्कुल कल सुबह जाऊँगा, और हम सब रात को जागरण करने वाले हैं और बहुत सारे प्लान्स हैं, पर अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद आकर। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई आने के लिए, बहुत मज़ा आया, और आपने एक सरप्राइज दिया हम सभी को। हमारे साथ हैं जयकी द वॉइस भी। एक मिनट बाल ठीक कर। अरे फिर सो गया ना। बाल सो गई, आप भी सो जाइए। तो गाइज अब आप लोग सो जाइए, आप लोगों को जगने का समय नहीं है, जागने का समय तो हमारा है। तो मिलते हैं। दादाजी का एपिसोड कैसा लग रहा है आपको, बताइए कमेंट करके। जागत है वो खोत है जो सोत तो है। दादाजी वाला एपिसोड कैसा लग रहा है वो बताइएगा, और उसमें और कुछ अगर आपके आइडियाज हो तो वो भी बताइएगा, उस पर मैं किसी को कॉल करूंगा। और आपके दोस्तों में से किसी को कॉल करना हो, प्रैंक करना हो, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। सबकी फिरकी लेंगे हम। क्या लेंगे? फिरकी। बाय बाय, गुड नाइट।